राम राम सर। तारा याद है होली होली ताराचंद जी को छोड़ो तो मैं तो खटाई के साथ ही निकल पड़ा उस सीधे बंबई से नागौर, पर गुली हो उसने पी रखी थी, हम लोगों को पता ही नहीं लगा। एमपी बॉर्डर भी पार को नहीं कर पाए हो और हाईवे पे गाड़ी खड़ी करके सो गए हो और जान को नहीं खड़े गिर गए हो, उठे हो तो बाइक चोरी हो गई, खानू कपड़ों फोन सब गया, पैदल चल पड़ा वो ठू, पता नहीं कितना दिन कितनी रात चाले है। काल पूछा गांव, आते ही पूछा बोला पानी पानी दिया, पानी पीते ही मर गया। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई दोस्त ही नहीं है, पहले भी नहीं थे, पर पहले पता नहीं चलता था यार, अजनबियों से भी बातें हो जाती थी। चलो बाय बाय पापा। कल ग्रोसरी लेने क्या कूल सा लड़का आया था इन द न्यू मास्क लुक, ब्लैक न्यू मास्क, पजामाज, गंजी, रिबॉक चप्पल्स। आई थिंक हम दोनों ही एक दूसरे को चेकआउट कर रहे थे। फिर हुआ ये कि मुझे आ गई खांसी, क्या लाइन छोड़ के भागा वो लड़ी हेल। ये घर वाले ना एक दूसरे से बात करना कब बंद कर देते हैं पता ही नहीं चलता। अभी आयुष के बाबा और ससुर जी का ही ले लो, पता नहीं बाप बेटे एक दूसरे से बात ही नहीं करते। बाप रे, पता है पूरा पूरा दिन निकल जाता है, दोनों एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोलते। क्या ससुर जी ऊंचा सुनते हैं लेकिन आयुष जब बात करता है ना तो बरोबर सुनते हैं सब कुछ। अभी क्या है वो बोले ना बोले, आजकल घर तो ससुर जी के ही पेंशन पे चल रहा है ना। नीचे फिफ्थ फ्लोर पे एक स्टूडेंट रहती है, शी हैज 2-3 कैट्स आई थिंक। कल एक बिल्ली का बच्चा रेस्क्यू करके लिफ्ट में आई, इट्स अनबिलीवेबल। एक ही बिल्डिंग में रहते हुए हम कितने सालों बाद किसी को पहली बार हाय कहते हैं। बिल्ली ने म्याऊ किया, मैंने कहा ओ, शी स्टार्टेड स्माइलिंग, आई सेड हाय, शी सेड आई एम कोयल। मैं सोच रही हूँ मराठी का ट्यूशन फिर से शुरू कर दूँ। क्या 2-3 स्टूडेंट के मम्मी लोग का भी फोन आ गया था और मेरे को लगा कि अभी ये ऑनलाइन का चोचला सीखना पड़ेगा। कैसे हो दोस्तों? मैं ठीक हूँ, आज जरा ठीक लग रहा है। बस कई दिनों से गोलियां खा रहा हूँ और सो रहा हूँ, अभी ठीक हूँ। एक रिपोर्ट निगेटिव आया है, बस पड़ा रहता हूँ दिन भर यहाँ पर, दीवारों को घूरते रहता हूँ। ये सवाल आते हैं मन, एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा कि तुम कौन हो, क्यों तुम्हें बचाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, क्यों तुम्हारा जिंदा रहना इतना जरूरी है। अगर आज जरा भी सांस इधर की उधर होती है ना दोस्तों, तो
सब पढ़ा के पढ़ा रह जाएगा। ये ट्विटर अकाउंट, ये इंस्टाग्राम, ये सब। मार्क्स कहता है ना दोस्तों कि धर्म लोगों का अफीम है। इन्होंने फ्री डाटा को लोगों का अफीम बना दिया। ये सब कैपिटलिज्म की धकोसले है दोस्तों, ताकि हम ये अलग अलग ऐप में उलझे रहे और ये मूल सवाल ही भूल जाए कि तुम कौन हो। अभी निकल सा थानेदार से जा रहा, बात कर सा 2 बजे। हाँ अपनो जीरो बयो थो खेत में, अपनो लगभग काट लियो अभी फसल, पर सारी फसल घर में रखनी पड़ेगी जो मंडी बंद है। अगली फसल लागवा के लिए लगे को बीज, बीज की दुकान बंद, बीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए, फसल नहीं तो पैसा भी नहीं, तो फिर जाओ साहूकार के पास। साहूकार कह रिया पुराना उधार चुकाओ, नहीं हो तब दूंगा जब सारा जीरो मन न बेचो। और भाव क्या देगा, 14,000 रुपये क्विंटल चल रही है मंडी में, साहूकार देगा 11,000 रुपये, कहीं करा बताओ। मैं और बलदेव जी जान के बात करेंगे, कुछ उपाय बताए। लॉटरी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार ने, नहीं तो एक बीच की दुकान रे परमिशन देनी चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ तो अठे राजस्थान का किसान खत्म हो जाए। Happy birthday to you. Thank you, thank you. Happy birthday, Hansa. Thank you, thank you. Happy birthday to you. No, birthday hugging not allowed. आयुष बेडरूम में लॉक हो गया। दरवाजे नहीं खुल रहा ना अंदर से ना बाहर से। ससुर जी ने मुझे यहां भेज दिया, मुझे बोला तुम हटो। आयुष रोता है ना, रोना ही नहीं रुकता। अभी वो बात कर रहे उससे, कहानी सुना रहे उसको, सुन रहा है चुपचाप। आयुष के बाबा अभी ताला जावे वाले को फोन कर रहे, उसको बुलाने की कोशिश कर रहे। तुम कुछ करो ना, आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं है। पापा को याद भी आज मेरा बर्थडे है, ऑफिस जाने भी क्या होगा, एक तो इस ब्रांच में मुझे कोई जानता नहीं है। मैं भी कितना ट्राई करूं यार, इट्स सो टायरिंग। पापा चाय ले लो। कल ऑफिस में 2 लड़के एमएमए के बारे में बात कर रहे थे, उन्हें लगा मुझे क्या मालूम होगा मिक्स मार्शल आर्ट्स के बारे में, लेकिन मैं तो फॉलो करती हूँ। They were talking about the scheduled fight between Tony Ferguson and Khabib, which was happening on 18th of April. तो एक पॉइंट पे मैंने बोला, पर खबीब ने तो इंस्टाग्राम पे बोला है कि the fight is not happening. कल्चर शॉक में आ गए तुम, माय गॉड। फिर क्या होना था? एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। मंडी बंद होने से क्या होता है, 35 साल में पहली बार खेत के बारे में कोई सवाल पूछा, चौक खोला गया।
अब मैं थानू अठे लिख के समझाऊं कि इकोनॉमिक्स का ही खेती की। देखो हमारे पास 20 बीघा जमीन, बीज लगेगो, बीज खरीदना पड़ेगा, तो बीज की कीमत है 400 रुपया किलो। हमारे खेत में लगे 50 किलो तो हो गया 20,000 रुपया, ठीक है। फिर खेत की तैयारी करवा हुआ, बीज बोवा, तई लागे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को भाड़ो 600 रुपये घंटे का, तो नहीं नहीं करता, हो गया वो भी 20,000। फिर उसके बाद खाद लागे बहुत सारा, फिर थोड़ी सी फसल बड़ी हुई तो दवाई छिड़कनी पड़े कीड़ा की और घास की, तो रोज एक दवाई 500 रुपये का एक दवाई का ड्रम, तो 4 ड्रम लागे कीड़े का, 4 ड्रम घास का, और ये कीड़ा छिड़कने के लिए भी मशीन लागे, और तैयार फसल काटने ताई भी मशीन लागे अलग से, उसको भाड़ो 1500 रुपये घंटा, और जीरा निकालने के लिए भी अलग से मशीन लागे। अब ये तो हो गया फसल का खर्चो, इसके अलावा बिजली का बिल, मशीन का रख रखाव, ओला आंधी तूफान जानवर, ये सब के बाद जब जीरा बेचने की बारी आई तो मंडी बंद, काई करा। अगली फसल ढोना तो छोड़ो, उधार चुकाने की औकात नहीं रही। धर्माराम, हेलो, बाइक निकाल, बाइक निकाल। हमारे मारवाड़ में कहावत है, जीरो और सोनो एक ही भाव मिले, चलो जाओ। राम राम। आ रहा हूँ। दोस्तों हम इतना जेंडर के बारे में बात करते हैं, कास्ट के बारे में बात करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लेकिन जो ये सब हम अपने काम में करते हैं वो क्या अपनी निजी जिंदगी में करते हैं? कुछ दिन पहले हमारे मूवमेंट के कुछ प्रोग्राम चल रहे थे, तो मैं घर पे लेट आता था, घर के सारे काम ज्योति करती थी, दिया को भी संभालती थी, तो मैं घर पे आके कपड़े निकाल के रख देता था धोने के लिए, सोचता था कि ज्योति देख लेगी और कपड़े धो देगी। एक दिन ज्योति ने मुझसे कहा कि तुम अपने कपड़े खुद क्यों नहीं धो लेते, मेरे ऊपर बहुत लोड आ रहा है। तो मैंने क्या किया पता है? मैं भाड़े पे वॉशिंग मशीन ले आया। नहीं समझे? जब बात मेरे पे आई तब जाके मैंने ये सब किया, जब ज्योति ये सब काम कर रही थी तब मैंने क्यों नहीं किया? मैंने पैसे जुटाए, मशीन ले आया। ऐसा क्यों? अभी सामने वाली बिल्डिंग से कारपेंटर आए, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे, इतना शोर हो रहा है। बेचारा आयुष डर गया, चिल्लाने लगा। ससुर जी ने उसको समझाया, बोले आयुष बेटा हम जब अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं ना तो उनको खोलने में तकलीफ होती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत शोर भी होता है, लेकिन हमें उस आवाज़ से डरना नहीं चाहिए, ये तो आज़ादी की आवाज़ है। पर आयुष सुन के एकदम चुप हो गया। खुद का बर्थडे खुद ही हलवा बनाओ और अकेले बैठ के खाओ।
पर अकेले क्यों खाऊं? हाय हाय कोयल। हाय अंसा। मैंने हलवा बनाया है। हलवा? इट्स माय बर्थडे। ओह हैप्पी बर्थडे। डू यू वांट सम? मारो थानेदार ने। रुकाड़ियो बोला लॉकडाउन में बाहर खाई है, बाइक भी जब्त कर ली। अब दो ही लोग तो गए थे हम लोग, दूर से बात की, कोई फोन नहीं कोई नंबर नहीं। प्रदंडा सुनता कहाँ है? थैंक यू माँ, आयुष बाहर आ गया। देखा पूरे घर में चिल्ला रहा है, आजादी की आवाज सुनो। आजादी की आवाज सुनो।